इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा कि अगर आप अपना ध्यान नहीं रख रहे आज के टाइम में, तो जरूर अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि देश को आजादी 1947 में मिली थी, लेकिन उससे पहले भी हमारे देश में हमेशा से राजा महाराजा का युग रहा है। हजारों साल अलग अलग प्रांत के राजा राजशाही की जिंदगी बिताते रहे। कईयों ने अच्छे काम भी किए तो कई सिर्फ रंगरलिया मना के निकल लिए। तो ब्रदर एंड ब्रदर की सिस्टर, तो आज के हम इस वीडियो में, इस एपिसोड में आपको बताने वाले हैं उन सभी राजा महाराजाओं के बारे में जिन्होंने अपने शौक के लिए, अपने दयावान आदतों के लिए, तो कईयों ने अपने रंगीन मिजाज के लिए हमेशा सुर्खियां बटोरी। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी मेहनत आपको करनी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको पता है कि दुनिया में एकमात्र गे प्रिंस कहां से हैं, तो आपको डेफिनेटली नहीं पता होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए तो आपको पता लगेगा कि ये प्रिंस कहां पे है और भी बहुत सारी बातें। पहले नंबर पर आते हैं मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी। ये हैदराबाद के आखिरी निजाम थे। कहा जाता है कि ये एक समय भारत के सबसे ज्यादा पैसे वाले आदमी थे। 1940 में ही निजाम मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी के पास $2 बिलियन की प्रॉपर्टी थी 1940 में, जो कि उस समय अमेरिका की इकोनॉमी का 2% था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी के पास कितना पैसा होगा। कहा जाता है कि ये खाने पीने के भी बहुत शौकीन थे। इनके लिए हर दिन कम से कम 150 तरीके के अलग अलग डिश तैयार किए जाते थे। मीर उस्मान के जो नजदीकी थे उनके अनुसार ये निजाम इतने रईस थे कि जो खाना एक बार चखते थे, यानी कि एक चम्मच, उसे वो दोबारा नहीं खाते थे। भाई जब 1940 में आपके पास $2 बिलियन की प्रॉपर्टी हो तो आपको कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं। इनके बारे में एक बात मैं आपको और बताऊंगा तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वॉल्यूम थोड़ा सा आप कीजिए और ध्यान दीजिए। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा डायमंड किसने खरीदा है आज की तारीख तक? तो ये रिकॉर्ड आज भी मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी के नाम है। इन्होंने 1935 में जैकब डायमंड को $200 मिलियन में खरीदा था। अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस डायमंड स्टोन के साथ ये करते क्या थे तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे। ये इस डायमंड स्टोन को पेपर वेट के रूप में यूज करते थे। इसे कहते हैं रईसी, दुनिया का सबसे महंगा स्टोन और उसे पेपर वेट की तरह यूज किया जा रहा है। वाह भाई वाह, रईसी हो तो ऐसी। अगले नंबर पर है महाबत खान रसूल खान। ये थे जूनागढ़ के नवाब। ये दुनिया के एकमात्र ऐसे किंग होंगे जिन्होंने पुराने समय से ही कुत्तों को बहुत प्यार दिया। महाबत खान रसूल खान के महल में 800 कुत्ते रहते थे और कमाल की बात ये है कि ये सभी कुत्तों का नाम जानते थे। ये सबसे बहुत प्यार करते थे और ये अपने कुत्तों की शादी भी करवाते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हर कुत्ते की शादी में ये बड़े दावत देते थे। किंग है भाई, दे सकते हैं। कहा जाता है कि कुत्तों की शादी में ये अपनी प्रजा को सोने का उपहार देते थे। सोने का आज के टाइम में खरीदना मुश्किल है। शादी से 2 दिन पहले और शादी के 2 दिन बाद तक किंगडम में छुट्टी होती थी। काश ये आज भी होते तो स्कूल के बच्चे खुश होते, छुट्टी छुट्टी। कुत्तों से इतने प्यार भरी कहानी तो खैर मैंने आज तक नहीं सुनी और शायद आपने भी नहीं सुनी होगी। बट नो डाउट आजकल के जमाने में भी लोग कुत्ते को पालते हैं, पर महाबत खान रसूल खान जैसा दुनिया में शायद ही कोई दूसरा हो। आपका क्या ख्याल है इनके बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनके बारे में कहा तो ये भी जाता है कि गिर नेशनल पार्क जो आज गुजरात स्टेट में है, ये भी महाबत खान रसूल खान की ही देन है। इन्होंने ही इनिशिएटिव लिया था इसे बनाने के लिए। और इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये भी बहुत पैसे वाले थे। इनको भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जानवरों के अलावा ये अपनी प्रजा से भी बहुत प्यार करते थे। कहा जाता है कि अगर किसी को भी कोई तकलीफ होती थी तो महाबत खान उसे अपनी तकलीफ मान लेते थे और उसकी सहायता करते थे। अब अगले नंबर पर मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ एक ऐसे प्रिंस से जो कि दुनिया के एकमात्र गे प्रिंस हैं। गे प्रिंस का मतलब ये है कि राजकुमार को राजकुमारी से नहीं सिर्फ लड़कों से ही प्यार करना अच्छा लगता है। और कमाल की बात यह है कि ये अभी भी जिंदा हैं और चैरिटी चला रहे हैं। और इनका नाम है मानवेंद्र सिंह गोहिल, जो कि कभी राजकुमार हुआ करते थे राजपीपला के। लेकिन जैसे ही इनकी हरकतों के बारे में प्रजा ने चर्चा शुरू की, इनके परिवार वालों को पता चला, इनको परिवार से अलग कर दिया गया। ये अब राजशाही परिवार का हिस्सा नहीं है।
अब ये नॉर्मल इंसान की तरह जीवन बिता रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज करा लिया है और वो है कि ये दुनिया के पहले गे प्रिंस बन गए हैं। कहा जाता है कि इस राजकुमार का दिल अपने राजमहल के किसी हट्टे कट्टे सैनिक पर आ गया था जिसे ये परेशान करने लगे थे। लेकिन जैसे ये खबर राजमहल के लोगों को पता चली, इन्हें परिवार से अलग कर दिया गया। इनकी संस्था लक्ष्य ट्रस्ट भी गे और लेस्बियन के लिए काम करती है। वैसे इसमें कोई गलत भी नहीं है, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप किससे प्यार करें और किससे नहीं। लेकिन जब बात रॉयल फैमिली की होती है तो वहाँ आपको कई मौकों पर मर्दानगी दिखानी पड़ती है। अगले नंबर पर है किंग जयसिंह ऑफ अलवर। ये अलवर प्रांत के राजा थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी इनके पास, हजारों लोग इनके लिए काम करते थे। ये हमेशा ही डाउन टू अर्थ रहते थे। कहने का मतलब ये है कि इनके लिए दिखावा नाम की कोई चीज नहीं थी। ये बहुत ही सोबर किस्म के राजा थे। जो लोग इनके साथ या आप कहें इनके लिए काम करते थे वो भी बहुत खुश रहते थे, क्योंकि किंग जयसिंह ऑफ अलवर हमेशा ही अपने लोगों को गिफ्ट्स देने के लिए जाने जाते थे। लेकिन इनके साथ एक मजेदार घटना घटी। ये एक बार इंग्लैंड गए, लंदन शहर में घूम रहे थे। अचानक ही इनकी नजर रोल्स रॉयस गाड़ी पर पड़ी। वो इस गाड़ी को खरीदना चाह रहे थे। वो शोरूम के अंदर गए, लेकिन उनके कपड़े को देखकर सेल्समैन ने उन्हें बाहर निकाल दिया। सेल्समैन को लगा कि ये शायद टाइम पास करने आया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये बंदा कौन है। वो अंदाजा ही नहीं लगा सका कि ये अलवर के महाराजा हैं। बाद में किंग जयसिंह ऑफ अलवर ने रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदी और उसे अलवर में कूड़े उठाने के काम पर लगा दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, कूड़े उठाने के काम पे। जब ये खबर रोल्स रॉयस वालों को पता चली तो उन्होंने किंग जयसिंह ऑफ अलवर से माफी मांगी। अगले नंबर पर है महारानी गायत्री देवी। ये जयपुर की महारानी थी जिन्होंने 1940 से 1949 तक जयपुर शहर की देखरेख की। ये अपने सामने किसी को भी परेशान नहीं देख सकती। एक बार राजमाता को पता चला कि इनके राज में काम करने वाला एक इंसान बहुत परेशान है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। फिर क्या, राजमाता ने उसके लिए घर बनवाया, उसे पैसों से मदद की, उसकी चार बेटियों की शादी करवाई और उस आदमी को एक दुकान भी दान में दी। साथ ही राजमाता बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी तो उनकी खूबसूरती के चर्चे दुनिया में हर जगह होते थे। तभी तो राजमाता का नाम द 10 मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट में आया था। राजमाता इतनी दयालु थी कि उन्होंने जयपुर शहर के कई लोगों को उपहार स्वरूप जमीन दान में दिए, कई लोगों को सोना चांदी दिया। तभी आज भी जयपुर में राजमाता का जयकारा होता है। अगले नंबर पर है महारानी इंदिरा देवी। ये थी कूच बिहार की महारानी। ये भी देखने में बहुत खूबसूरत थीं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सेल्वाटोर फेरोगामो जैसे दुनिया के सबसे बड़े जूते के ब्रांड से 100 जोड़ी जूतियां मंगवाई। कईयों में तो हीरे लगे थे तो कईयों में सोने। ये थी इनकी ढाट। दुनिया के लोग तो हैरान हो गए कि कोई इतने महंगे ब्रांड से एक साथ 100 जोड़ी जूतियां कैसे ऑर्डर कर सकता है। लेकिन महारानी तो महारानी है, इनके पास पैसों की कोई कमी तो नहीं थी और ना ही इनके ऊपर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ये हमेशा ही हीरो की जूतियां पहनकर बाहर निकलती थी। कहा जाता है कि ये साड़ी भी हीरे से जड़ी हुई पहनती थी। तो भाइयों और भाइयों की बहनों, इससे एक बात तो साफ पता चल रही है कि भारत के राजा महाराजा कितने पैसे वाले थे और कितने शौकीन। अब अगले नंबर पर चलते हैं, महाराजा जगजीत सिंह। ये कपूरथला के राजा थे। इनके शौक सबसे अलग थे, पूरी दुनिया इनको सलाम ठोकती थी। लेकिन इनका सबसे बड़ा शौक था महंगे महंगे ब्रांड्स की घड़ियां खरीदना। आपको शायद पता ना हो, लेकिन ये ल्यू वीटन के सबसे बड़े कस्टमर थे। पूरी दुनिया में इनसे बड़ा ल्यू वीटन का खरीदार नहीं था। एक बार तो इन्होंने एक साथ ही इस ब्रांड के 60 बड़े बॉक्सेस अपने लिए मंगवाए, जबकि 120 घड़ियों का ऑर्डर इन्होंने इंग्लैंड की एक बड़ी कंपनी को दिया था। जब पैसे हों आपके पास तो इस तरह के शौक और खर्च तो होते ही रहते हैं। अगले नंबर पर है भरतपुर के राजा किशन सिंह। ये अपने समय के एक महान योद्धा थे। उनकी महानता के चर्चे हर जगह फैले हुए थे। राजा किशन सिंह की 40 पत्नियां थीं। कहा जाता है कि राजा किशन सिंह को तैराकी का बहुत शौक था, इसलिए वो अपने राज्य के सभी लोगों को तैरने की सलाह देते थे। इसी के चलते राजा किशन सिंह ने अपने लिए एक विशेष तालाब का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि जब किशन सिंह तालाब में नहाने के लिए जाते थे तो उनकी 40 पत्नियां बिना कपड़ों के वहां खड़ी उनका इंतजार किया करती थी। सोचिए जरा, 40 रानियां। और ऐसे राजाओं की जिंदगी ऐसे हुआ करती थी उस जमाने में। आज के जमाने के लिहाज में कहा जाए तो फुल ऑन मस्ती। अगले नंबर पर है राजा भूपेंद्र सिंह। राजा भूपेंद्र सिंह के 88 बच्चे थे।
इसके अलावा उनके महल में कई महिलाएं भी रहती थी। हालांकि ये कहना मुश्किल था कि वो सारी रानी थी या कुछ और। हर साल राजा भूपेंद्र सिंह बिना कपड़ों के पूरे राज्य में अपनी झांकी निकाला करते थे, ताकि लोगों को उनके बलवान और स्वास्थ्य शरीर के बारे में पता चल सके। वो पटियाला शहर के महाराज थे। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एक बार में 60 रोटियां खा जाते थे। राजा इतने बलवान थे कि वो बिना किसी के मदद के बड़े बड़े जानवरों से लड़ जाते थे। हालांकि राजा भूपेंद्र सिंह के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत नेक दिल राजा थे। अपनी प्रजा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। गरीबों के बीच में खूब पैसा, दवाइयां और जेवरात बांटते थे। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि काश ये राजा आज भी होता, या फिर हम उस जमाने में होते। अगले और आखिरी नंबर पर आते हैं गंगा सिंह जी महाराज। ये राजस्थान के बीकानेर शहर के राजा थे। बहुत पैसे वाले, लेकिन उससे भी बड़ा इनका दिल था। इनके बारे में कहा जाता है कि ये कभी भी किसी को भी दुखी नहीं देख सकते थे। तभी तो ये हर दिन अपनी प्रजा के बीच में सोना चांदी लुटाते थे। ये राजा बहुत दिलदार थे और खाने पीने के शौकीन थे। अपने एरिया में जब भी ये राउंड लगाने निकलते तो ये किसी के भी घर जाकर खाना खा लेते और उस घर में उपहार स्वरूप सोना चांदी छोड़कर आते। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी सोच रहे होंगे कि काश हम वो राजा होते या वो राजा आज यहाँ होते तो हम भी बहुत अमीर होते। लेकिन आप देख रहे हैं, आज के शौक कुछ भी नहीं इन लोगों के शौक के आगे। तो ऐसे ही और भी टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। कमेंट्स आपके हाथ में, जो आप बोलना चाहें, कहना चाहें, बताना चाहें बता सकते हैं। टेक केयर।